हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास सिक्स के मैथ्स की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर सिक्स, जो कि पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज सिमिलर टू अ बैंगल। तो बैंगल का जो शेप है वो क्या होता है, तो वो सर्कल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शेप हैज मिनिमम नंबर ऑफ साइड। तो सबसे कम साइड जो है वो किस शेप में होगी, तो ट्राइंगल की तीन साइड होगी, है ना। तो ट्राइंगल जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। स्क्वायर में चार साइड हो जाएगी, पेंटागन में फाइव साइड होती है, ठीक है, हेक्सागन में सिक्स साइड होती है। तो सबसे कम साइड किसकी है, यहाँ पर ट्राइंगल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच शेप विल बी फॉर्म्ड विद द गिवन नेट। इस नेट से जो है वो क्या बनेगा, तो इससे जो है वो क्या बनेगा, कोन बनेगा, ठीक है, जो फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है व्हेन अ स्क्वायर पेपर इज फोल्डेड ट्वाइस। तो एक स्क्वायर पेपर है, उसे दो बारी फोल्ड किया जा रहा है, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम फोल्ड करोगे तो हाफ हो जाएगा, फिर दोबारा फोल्ड करोगे, है ना, तो चार पीसेस में डिवाइड हो गया ये, तो वन फोर्थ, है ना, एक ही पार्ट जो है वो हमें इसका दिखाई देगा और टोटल चार पार्ट में फोल्डेड है, तो वन फोर्थ जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोहित कंज्यूम्ड द हाफ जूस फ्रॉम अ फुल बॉटल ऑफ जूस, ठीक है। तो उसने कंप्लीट बॉटल की जूस से आधा जूस जो है वो पी लिया। चूज द फ्रैक्शन ऑफ लेफ्ट पार्ट, तो हाफ जूस जो है वो कंज्यूम किया है ना, तो आधा तो बच गया होगा, तो हाफ जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर शेडेड पोर्शन शोज द फ्रैक्शन 1/3। तो कौन सा जो है वो 1/3 को शो कर रहा है यहाँ पर, ये देखो 1, 2, 3, 4, ये फोर पार्ट है और शेडेड पार्ट का पूछा है, टू पार्ट शेडेड है, ठीक है, तो ये 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट जो है फोर पार्ट में डिवाइडेड है, वन पार्ट शेडेड है, 1/4 को कर रहा है। ये जो है वो टोटल 9 पार्ट है, इसमें से 3 पार्ट शेडेड है, ठीक है, तो 3 1s are 3 और 3 3s are 9, तो ये 1/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 20 आवर्स, ठीक है। तो एक दिन का 20 आवर्स जो है वो किस फ्रैक्शन में होगा, 20 आवर्स, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24, ठीक है, तो 24 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसकी कटिंग कर दो, 4 5s are 20 एंड 4 6s are 24, तो 5/6 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज 3/4 of 36, 3/4 36 का, ठीक है, 4 9s are 36 होता है, 3 9s are 27, तो 27 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजू है 10 रुपीज, राजू के पास 10 रुपीज है, ही स्पेंट 1/5 part of rupees 10, तो उसने 1/5 part जो 10 रुपीज का खर्च किया है, तो 1/5 × 10, तो कितना जो है उसके पास पैसे जो है वो, हाउ मच रुपीज राजू हैज नाउ, अब उसके पास कितने रुपीज है, 2 रुपीज है, 2 1s are 2 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नंबर विल बी फिल्ड इन द ब्लैंक बॉक्स ऑफ द फ्रैक्शन टू मेक इट इक्वल टू 7। अब हमें जो है वो नंबर दिया गया है, इसको हम यहाँ पे x मान लें, तो x/10 लिख दिया, इज इक्वल टू 7 के इक्वल करना था, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x हो गया, 10 को 7 से किया तो 70 हो गया, तो 70 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वी हैव 12 बेंचेस इन आवर क्लास, दीज बेंचेस आर टू बी अरेंज्ड इन रोज, आवर टीचर वॉन्ट टू अरेंज 1/4 ऑफ टोटल बेंचेस, ठीक है, तो 1/4 किसका, 12 बेंचेस का, तो 1/4 जो है ईच रो में जो है वो टीचर जो है वो चाहती है कि अरेंज हो जाए इस तरीके से, तो 4 3s are 12 हो जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो जाएगा, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट आर इन द फॉलोइंग नंबर लाइन। तो आर जो है वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, तो 0 है, 1 2 3 4 एंड 5, अब हमें यहाँ पे 1 बनाना है, तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, है ना, यहाँ पे भी 5 कर दो, यहाँ इसके डिनोमिनेटर में भी 5, इसके यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5, तो R जो है वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, 3/5 से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द गिवन शेडेड पार्ट ऑफ द पिक्चर। तो ये कंप्लीट शेडेड है, 2 हो गया, यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट में डिवाइडेड है, कितने पार्ट शेडेड है, 1 2 3 4 एंड 5, तो 2 5/8 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है चूज द पिक्चर विद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट ऑफ द गिवन फिगर। तो इसके इक्विवेलेंट कौन सा होगा, तो ये जो है वो शेडेड पार्ट के लिए आया है, ठीक है, टोटल 3 पार्ट में डिवाइडेड है,
टू पार्ट शेडेड है, ठीक है। यहाँ पे भी पिक्चर जो है वो थ्री पार्ट में डिवाइडेड है, टू पार्ट शेडेड है, तो फर्स्ट जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फ्रैक्शन शोज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो कौन सा जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो शो कर रहा है, तो बेसिकली कटिंग करके यहाँ पे 4/7 सम में है ना, तो कटिंग करके 4/7 आ जाए, तो 1/7 तो आ नहीं सकता, ये होगा नहीं आंसर, है ना, ठीक है। फिर 2 से कटिंग कर दी इसकी, 2 10s are 20, फिर 2 2s are 4 और 2 1s are 2, तो ये भी नहीं होगा 4/7 के फ्रैक्शन में, है ना। इसके बाद जो है यहाँ पे कटिंग करते हैं तो 5 4s are 20 और 5 7s are 35, ये 4/7 आ गया, है ना, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनके साथ को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू टेस्ट। बाय बाय।